जय हिंद। चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवे खान। क्राइम यानी जुर्म से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर आपको दिखाने जा रहा है। बड़ी सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से, जहां मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कालंद गांव में रविवार देर शाम हथियारों से लैस हमलावरों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली सीढ़ियों पर खड़ी 8 साल की मासूम आफिया के सीने के आर पार हो गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आफे के बल साहिल का 2 आरोपियों के साथ विवाह चल रहा था। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों पक्ष लगातार वीडियो डाल रहे थे। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की थार गाड़ी कब्जे में ली गई है। असल में सरधाना के कालंद गांव में रहने वाले तहसीन की दूध की डेयरी है। तहसीन का बेटा साहिल रविवार को देर शाम गांव में दूध लेने गया था। वहीं उसकी मशरूफ कैप सोहराब और कामरान के साथ कहासुनी हो गई। गांव वालों ने उसको शांत करा दिया। इसके बाद साहिल घर आ गया। परिजनों के मुताबिक कुछ देर बाद मारूफ कैप सोहराब और कामरान अपने साथियों के साथ तहसीन के घर में पहुंच गए। गाली गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी हुई तो साहिल और तहसीन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। बच्ची आफिया सीढ़ियों पर खड़ी थी और एक गोली उसके सीने में लगकर पार हो गई। परिजन आफिया को लेकर सरधना CHC पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आइए देखिए पूरी घटना पर क्या कहना है SSP मेरे डॉक्टर विपिन ताडा। नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन। कहां कराने वाले हो? कालंद का जी। क्या मामला हुआ है? ये मामला तो 2 साल पुराना है जी। इसकी गैल मशरूक की गैल झगड़ा था। इनका खामा खा हमारे नाम लिखवा देते, हमने इनमें जमानत करवा ली थी। और ये हमारे पीछे जब से ही पड़ रहा जी। मसरूफ कहाँ का है? ये कालंद का है जी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वह पता नहीं गाली को पढ़ कर रखी थी तो फोन। क्या हुआ? आज भी पता नहीं, लड़के को बता रहा ना गाली दी। मैंने कहा मगर तू दूध गे दिया, मैं अपना बात कर लूँगा। भाई इतने मैं वहाँ से आया, इतने मैं रोटी खाना खा रहा था। मैं इतने मात्र इन्होंने फायरिंग तमन चले थे दो, एक तो मसरूख था, एक यू सरफराज का लमड़ा कामरान था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गोली बजा दी इन्होंने अंधा सुन। हम तो छतों पे जाए चढ़े, हम तो भग्गी मिच की लोन डगे, गोली लगी थी छाती में। कितनी बड़ी लड़की है? यू 8 साल की जी। किसकी है बच्ची? मेरी है लड़की जी। अच्छा, आप ही की बेटी है जी। क्या बताया डॉक्टरों ने? बस ये तो खत्म बता रहे थे, इसके आर पार गोली हो रही छाती में। नाम क्या है लड़की का? आफिया। कितने लोग थे ये गोली चलाने वाले? ये गोली चलाने वाले 2 के हाथ में कट्टे थे जी, वे तमंचे और बाकी लाठी ले रहे थे डंडे। क्या पथराव भी हुआ? हाँ जी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो जी अभी यही है, पता नहीं क्या कह रही है, अभी जा रही है दबिश पे जी पुलिस। 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या की गई है, किन लोगों ने की गई है और क्या विवाद था? थाना सरधना के कालंद गांव में दोनों मुस्लिम पक्ष हैं, जिनके बीच में कल रात्रि में झगड़ा हुआ और इस दौरान एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक 8 वर्षीय बच्ची को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद ही अपराधी फरार हो गए। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं। इसमें गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SP क्राइम महोदय के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सर, कितने लोगों को मुकदमा? अभी तक जो प्रार्थी द्वारा दिया गया है उसमें 4 लोग नामजद करवाए गए हैं और कुछ अज्ञात रखे गए हैं। जो 4 नामजद हैं वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर आगे इसमें कार्यवाही की जाएगी।